नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि 400 वर्षों के बाद 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहा है महादुर्लभ संयोग। जी दोस्तों, यश में गुरु और शुक्र की स्थिति के कारण आप सभी के जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है, जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी के जुनकाल में जो बड़े ग्रहों के निर्माण होने वाले हैं, दोस्तों सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस दिन आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों यश में आपको जुनकाल में वह खुशखबरी मिलने वाली है जो कि दोस्तों आपको पूरे जीवन में नहीं मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आप सभी का किस्मत और भाग्य यश में सूरज से भी तेज चमकने वाले हैं। दोस्तों यश में भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत ही लाभकारक साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुरु धन वैभव और सुख समृद्धि के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भी ये प्रबल स्थिति में आते हैं तो दोस्तों जिस भी जातक के जुनकाल में आते हैं उन सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जिनसे वह अपने जुनकाल को बिल्कुल ही अच्छी तरह बना सके, बिल्कुल ही सुधार सके। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जुनकाल में भी ये 400 साल के बाद ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही बड़े मौके लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, दोस्तों सुनकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। यह गुरु पूर्णिमा आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों घर और परिवार इसमें खुशियों में शराबर रहेगा। दोस्तों यूँ कहें तो दोस्तों इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो बड़ी लॉटरी आप सभी की लगने वाली है, दोस्तों जानकर आप मिठाइयाँ बटवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि धन के भी देवता और सुख समृद्धि वैभव के भी देवता भगवान श्री विष्णु जी हैं। ये जिनके भी जीवन काल में प्रसन्न होते हैं दोस्तों उनके बिगड़ी बना देते हैं, और दोस्तों ये जिनके जीवन काल में रुष्ट हो जाए तो दोस्तों वह चाहकर भी अपने जीवन काल को सुधार नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, और भगवान श्री विष्णु जी आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यश में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और कौन कौन से कार्यों में कार्य करने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए, दोस्तों इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों भूल कर भी आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम पहले आप सभी को बता दें कि जो भी जातक आज के इस वीडियो को मिस करेगा जी दोस्तों वो जीवन भर पछताएगा। क्यों दोस्तों, 400 वर्षों के बाद ईशा गुरु पूर्णिमा आया है जहाँ पर आपके ग्रहों की स्थिति में भगवान श्री विष्णु जी बहुत ही प्रबल स्थिति में आने वाले हैं। दोस्तों यश में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों यश में अगर आप वीडियो को ही मिस कर देंगे तो दोस्तों जीवन काल में आप फंसाते ही रह जाएंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों जो भी भगवान श्री विष्णु जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक प्यारा से लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि 400 साल के बाद इस गुरु पूर्णिमा में आप सभी का किस्मत बिल्कुल ही चमकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि धन वैभव के देवता भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से यश में आपको अपने कार्यों में बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आप सभी के जुनकाल में बहुत ही अच्छे योगों का भी निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे दोस्तों आप सभी के जुनकाल में अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी को धन प्राप्ति के बहुत ही बड़े मौके मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके लॉटरी के भी बड़े योग बनने वाले हैं। दोस्तों 400 साल के बाद ये गुरु पूर्णिमा आप सभी का जीवन बदल देगा, बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपकी लॉटरी लगने के साथ साथ दोस्तों आकस्मिक धन लाभ भी आप सभी को होने वाले हैं।
दोस्तों किस जगह पर आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वो भी बताने वाले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको जो भी लाभ मिलने वाले हैं, जो भी खुशखबरी मिलने वाले हैं होंगे दोस्तों वे सबसे अलग होंगे। जी दोस्तों जो भी सफलता आप सभी को मिलने वाली होंगी दोस्तों वे सबसे अलग होंगे। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों अगर आप बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों ये सोने पर सुहागा होगा और अगले 24 घंटों में आप सभी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यशमी ग्रहों की जो चाल होगी दोस्तों वे आपके पक्ष में होने वाली है। ग्रहों का और भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों धन के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी ही आपके साथ आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों अगले 24 घंटों में आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों यशमी आप सभी के जीवनकाल में भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी को बता दें कि आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाले हैं। पिछले समय के जो भी आपके मेहनत हैं उन सभी का फल आप सभी को मिलने वाले हैं। यश में आप अपने लक्ष्यों से सफलताओं को प्राप्त करेंगे। समय इतना अच्छा होगा कि दोस्तों यश में आपकी काबिलियत को तारीफें मिलने वाली है। यश में आप खुलकर सभी के सामने आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों यश में आप जिस भी कार्य में हाथ डालने वाले हैं दोस्तों वह कार्य आप सभी का पूरा होगा। दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली है। दोस्तों अगर आप बातों को ध्यान रखेंगे, अगर आप हर चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों धन गाड़ी बंगला पेशा आप सभी को सब चीज़ मिलने वाली हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये 400 साल के बाद ये आई पूर्णिमा आप सभी के सारे सपने सच कर देंगे। जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो भी महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं, कुछ सावधानी भी बताने वाले हैं, कुछ गलती भी बताने वाले हैं जिन्हें दोस्तों आपको भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इतने सालों के बाद ये गुरु पूर्णिमा आप सभी के जीवनकाल में इतने बड़े मांगलिक ग्रहों की स्थिति बना रहे हैं कि दोस्तों इनमें आपको लाभ के इतने सारे मौके मिलेंगे कि दोस्तों आप गिन नहीं पाएंगे। जी दोस्तों धन कमाने के इतने रास्ते मिलेंगे कि दोस्तों यश में आप गिन नहीं पाएंगे। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आप सभी का जीवन काल यश में सकारात्मक ऊर्जा की तरह होंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको आदर्श मान मिलेगा। सभी लोग आपकी भावनाओं की भी कदर करने वाले हैं। यश में आपको अपने मेहनत का ही फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों यश में आपको इतने बड़े शुभ समाचार मिलने वाले हैं कि दोस्तों आप सभी का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है इनमें धन प्राप्ति भी आपको हो सकता है। इनमें आपको संतान की प्राप्ति हो सकता है, नौकरी की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों ऐसा शुभ समाचार आप सभी को मिलने वाले हैं जिसे दोस्तों आप सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों ये गुरु पूर्णिमा आप सभी के जीवनकाल में दोस्तों कोई चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी अपने कार्यक्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं यश में आपका मेहनत का फल मिलने वाले हैं और दोस्तों वह फल आपके ही अनुरूप होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको क्या करना है कि अपने घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह का पालन करना है। ये दोस्तों आपके लिए वरदान साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों घर घर में जो भी आपके कला होते हैं दोस्तों वे इशारे शांत हो जाएंगे। बस आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों ये समय ग्रहों की स्थिति जो है वे दोस्तों आपके पक्ष में है और ग्रहों की बदलती चाल में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों लाभ ही लाभ और चमत्कार ही चमत्कार आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको क्या करना है कि दोस्तों अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ यही है, गुरु पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों इसका अर्थ यह है कि सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है, तत्पश्चात गुरु ही पूर्ण माँ है। जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों यश में आपको अपनी माँ की, अपने गुरु की, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं दोस्तों उनका सेवा सद्भाव हृदय से करना है। जी हाँ दोस्तों अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों धन के वैभव के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी और आपके राशि में, आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है दोस्तों वे बहुत ही प्रबल स्थिति में होंगे और दोस्तों गुरु का ही आशीर्वाद आप सभी को हमेशा मिलेगा कि दोस्तों आप समाज में नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ कमाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों आज के दिन आप इस बातों का ध्यान बिल्कुल ही रखिएगा। जी हाँ दोस्तों जो भी व्यक्ति दोस्तों आज के इस जीवन काल में
दोस्तों मेहनत करते हैं, जो सफलताओं को प्राप्त करते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं उनके जीवनकाल में गुरु का ही हाथ होता है। चाहे दोस्तों गुरु है उनकी माँ हो या फिर कोई अन्य हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों गुरु का अगर आप सम्मान करेंगे तो दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली व्यतीत होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि यश में आपको कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को दोस्तों आप खास ध्यान रखिएगा कि दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन दोस्तों अपने घर को आप बिल्कुल ही साफ साफ ही रखें। जी दोस्तों, कहीं भी गंदा ना छोड़ें। दोस्तों साफ सफाई का ध्यान आपको अपने जीवन काल में रखने हैं। इससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में धन वैभव भी आएंगे और दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी भी काफ़ी प्रसन्न होंगे। जी दोस्तों, अगर आपका घर साफ होगा तो दोस्तों धन सुख सभी आप सभी को मिलने वाले हैं। यश में आपको किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, ना ही दोस्तों किसी से बहस करना है। जी हाँ दोस्तों, खासकर दोस्तों बड़े बुजुर्गों से आपको जवान नहीं लड़ाना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे दोस्तों गुरु ग्रह खराब हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों यश में आपको अपने जो भी घर के ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्तों आपके घर काम करने आते हैं या फिर दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो आपके नीचे रहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का निरादर नहीं करना है। दोस्तों उनका अपमान भूल कर भी आपको नहीं करना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस दिन आपको मांस का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों, बिल्कुल ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। और दोस्तों घर की स्त्री महिलाएं जो भी है, दोस्तों उन सभी का अपमान नहीं करना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि हिंदू पंचांग में शादी शाद हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को धन की देवी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। जी दोस्तों, तो इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों एक और भी महत्वपूर्ण आपको काम करना है कि यश में छोटी छोटी कन्याओं को दोस्तों आपको भोजन ग्रहण करवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आप कन्याओं को चाहे तो 5 रुपये भी दे सकते हैं। इनसे उन सभी का जो खुशियों का माहौल होगा, दोस्तों आप सभी के जीवन काल में दोस्तों बहुत ही बड़ा लॉटरी लेकर आएगा, बहुत ही अच्छा समय लेकर आएगा। दोस्तों यश में आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी छोटे बच्चे को आप परेशान मत कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में अपने बच्चों को बिना बोले बिना कहे दोस्तों उन्हें चिढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है। दोस्तों बच्चों में भगवान का वास होता है और जो भी ऐसे कार्य करता है तो दोस्तों उनके चुनकाल से ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में जब भी आपके घर के छोटे बच्चे खाना खाने बैठे या फिर दोस्तों कोई महत्वपूर्ण कार्य करने बैठे, होमवर्क करने बैठे, ऐसे में आपको उन्हें कोई भी काम नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बच्चे खाना खा रहे हैं तो उन्हें नमक लाने के लिए भेज दिए या फिर दोस्तों बहुत सारे ऐसी छोटी चीज़ों को गिलास लाने के लिए भेज दिए, पानी लाने के लिए भेज दिए और बच्चे उठकर जाते भी हैं और लाकर फिर से अपने खाने पर बैठते हैं। तो दोस्तों ऐसे करना शास्त्रों में दोष माना गया है। तो दोस्तों यश में इन गलतियों को करने से आप बचें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए ताकि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी संकट समस्याएं हैं, दोस्तों वे सभी जड़ से ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान सुनिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह गुरु पूर्णिमा बहुत ही पावन पूर्णिमा है। जे दोस्तों जो कि 400 सालों के भी बाद आया है और ग्रहों की इसमें स्थिति बहुत ही प्रबल है। तो दोस्तों ऐसे में आपके एक छोटे से उपाय आपको बहुत ही बड़ा धन दे सकता है, आपके बहुत सारे ग्रहों की स्थिति को भी सुधार सकता है, आपके बहुत सारे दोषों से भी आपको मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों जो भी हम उपाय बताने वाले हैं उन उपायों को आप सच्चे श्रद्धा से कीजिएगा। दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल की जड़ों में मीठा जल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और वह अपने साधक के चुनकाल में कृपा बरसाती है। तो दोस्तों यश में गुरु पूर्णिमा का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोस्तों गुरु का जो महत्व है, दोस्तों धन का भी महत्व है, वैभव सुख समृद्धि और मान सम्मान से भी जुड़ा कारक है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत दोस्तों अषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को दोस्तों शाम के समय पति पत्नी एक जोड़े मिलकर दोस्तों चंद्रमा के दर्शन करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अर्घ भी जरूर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप सभी का वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों यश में आपके जो भी वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे नोक झोंक होते रहते हैं, दोस्तों वे सारे
ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों यशमे आप इन बातों का खास ध्यान रखें। इसके उपरांत ही शाम के समय में आपको तुलसी में देशी घी का दिया जलाना है। दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को भी कीजिएगा। और दोस्तों यश में आप कुंवारी लड़कियों को गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए। और दोस्तों शाम को चंद्रमा को जल में कुछ बूंदें गंगा जल दूध अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करना चाहिए। इसे कुंडली में जो भी चंद्र दोष है, जो भी ग्रहों की दोष है, वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के दिन आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। जो भी भक्त अपने जुनकाल में ये उपाय को कर लेंगे दोस्तों, उनके जुनकाल से सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होंगी और जो भी उनके जुनकाल में लाभ है उनको मिलकर ही रहेगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक और ही महत्वपूर्ण उपाय बता दें कि यश में आपको अपने गुरु का सबसे ज़्यादा सम्मान देना है। अगर आपका कोई ऐसा गुरु है जिनकी वजह से आपको कोई अच्छी जॉब लगी है या फिर कहीं पर आप नौकरी करने लगे हैं, बहुत कार्यों में आपने सफलताओं को प्राप्त किए हैं, तो दोस्तों यश में आप अपने गुरु को कोई ऐसा वस्त्र भेंट दे सकते हैं जिनसे उनका मन पुनः प्रसन्न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि आप सभी को एक बात बता दें, गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। इसलिए आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरुओं के सम्मान करने से आप सभी के जुनकाल में निश्चल आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जुनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों सुबह उठकर नहा धोकर पूजा स्थान में दोस्तों सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है, नीमन मंत्र का आपको जप करना है। जी दोस्तों, सही जगह आप बैठ गए तो दोस्तों आप मंत्र का जाप कीजिएगा। जो भी मंत्र की आपको याद है उस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, सच्चे मन से जाप कीजिएगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है। सच्चे मन से जो भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे दोस्तों, वह मंत्र काफ़ी शक्तिशाली होगा और इतना प्रभावशाली होगा कि आपके जुनकाल में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बस आपको सच्चे मन से करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको एक और भी महत्वपूर्ण उपाय कौन से करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने जुनकाल में धन की बहुत सारी समस्याएं चल रही है, बहुत सारी ऐसी अड़चने चल रही है, कहीं पर आपका पेशा अटक गया है या फिर दोस्तों आप पेशा कमा रहे हैं तो वह पेशा आपके पास टिकते नहीं हैं, किसी न किसी विघ्न बाधाएं में वो पेशा खर्च हो जाते हैं और बहुत प्रकार की समस्याएं आप सभी के जुनकाल में पेशों को लेकर भी चलती है, तो दोस्तों इसी में आपको क्या करना है कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की आरती करना है और आरती में कपूर लगाकर ही आरती करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि उसमें थोड़ी सी रोली डालकर इसकी राख को लाल कागज़ में डालकर दोस्तों अपने पने पर्श में रख लें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अगर आप करेंगे तो दोस्तों यह गुरु पूर्णिमा आप सभी के लिए जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय साबित होगा। आपके जुनकाल में जो भी समस्याएं हैं वे सभी खत्म हो जाएंगी, पेशेंट भी टिकेंगे और दोस्तों जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने हाथ में सुपारी और तांबे का एक सिक्का लेकर माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है। दोस्तों ऐसा अगर आप कर देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जुनकाल में जो भी संकट जो भी समस्याएं हैं दोस्तों वे सभी जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। शादी से दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जुनकाल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए। दोस्तों इसे अगर आप करेंगे तो जो भी आपके जुनकाल में समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वे सभी दूर तो होंगी। साथ ही साथ दोस्तों चारों दिशाओं से आप सभी के जुनकाल में पेशों की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये उपाय को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस दिन आपको क्या करना है कि एक पानीदार नारियल लें। जी दोस्तों, और उसे अपने ऊपर से अकेश बार उसारें। जी दोस्तों, अकेश बार उसे अपने वार से वारने के बाद आपको क्या करना है कि किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में दोस्तों इन्हें जला दें। पर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रख लें कि आपके परिवार में अगर किसी के साथ दिक्कत है, समस्याएँ हैं, बहुत सारी बाधाएँ किसी के ऊपर होती है तो उनके भी ऊपर से उसार लें। और दोस्तों ये उपाय आपको बस इसी गुरु पूर्णिमा के दिन कर देनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसा करते समय आपको कोई भी व्यक्ति टोके ना, और जब भी आप इस उपाय को कीजिएगा दोस्तों हमेशा आपके घर का माहौल शांत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी घर में हल्ला नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से कहें
जो भी शोर शराबे होते हैं दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण उपाय कौन सी करनी है कि दोस्तों यश में बरगद के पेड़ में टूटा हुआ पत्ता ले आए और दोस्तों इस पत्ते पर अपनी मनोकामनाएं लिख दें। इसके बाद दोस्तों इस पत्ते को आपको जल पर प्रवाहित कर देना है। दोस्तों ऐसा अगर आप इस गुरु पूर्णिमा के दिन कर देंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, इसके साथ साथ दोस्तों आपके ग्रहों के राजा गुरु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके जीवन काल में आपके सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं को भी पूरे कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस गुरु पूर्णिमा की रात्रि को आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना है कि अपने सिरहाने पर एक गिलास दूध भर कर रखें, फिर अगले सुबह उठकर उस दूध को बबूल के पेड़ के जड़ में डाल दें। दोस्तों ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपके घर में जो भी व्यक्ति है उनके ऊपर कभी भी बुरा शक्ति प्रभाव नहीं कर सकती है और दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनका कार्य बढ़ता जाएगा और धन ऐश्वर्य आप सभी का घर भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक और भी महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जो कि दोस्तों इस गुरु पूर्णिमा के दिन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा। जी दोस्तों, इस झाड़ू से आप जितने दिन अपने घर को बुहारेंगे दोस्तों उतना दिन आप सभी के घर में खुशियों की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इस दिन आपको एक झाड़ू मंदिर में भी दान कर देना है। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो आप सभी का भाग्य बिल्कुल ही चमक जाएगा। जो भी आप सभी का भाग्य दोस्तों सोया है वो दोस्तों वो जाग जाएगी और दोस्तों किस्मत और भाग्य का पूरा पूरा आप सभी को साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको उपरांत ही इस गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने जीवन काल में, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना है। दोस्तों ऐसा अगर आप कर देते हैं तो दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आएंगी ही, साथ ही साथ दोस्तों जो भी कार्यों में आप सफलता पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं दोस्तों वे सभी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक और भी महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको अपने जीवन काल में एक लौंग और एक सुपारी का महा उपाय को जरूरी करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने रुके हुए कार्यों में सिद्धि पाना चाहते हैं, जो भी आपका बहुत समय से कार्य रुक गया है, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं दोस्तों, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि वह पूरा हो जाए लेकिन दोस्तों पूरा नहीं हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इच्छाएं हैं कि घर ले, गाड़ी ले, बंगले ले। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों की इच्छा है जो उनके जीवन काल में प्रेम संबंध खराब है वो ठीक हो जाए, तो दोस्तों उन्हें अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको दुकान जाकर एक लौंग और एक सुपारी को लेना है। जी दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि आपको अपने घर में जहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी का फोटो रखे हैं, जी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर फोटो नहीं भी है तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी का फोटो आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके आगे आपको क्या करना है, उसके आगे आपको जाकर आराधना करनी है और दोस्तों इस सुपारी और इस लौंग को लेकर आप अपने घर से बाहर पूरब की ओर 25 कदम जाएं। जी दोस्तों, यहाँ तक जाने के उपरांत आपको क्या करना है कि एक लौंग को अपने मुँह में ले लेना है और दोस्तों इसके उपरांत आपको अपने सिद्धि के लिए माता लक्ष्मी से कामना करना है और उस लौंग को चूसना है। साथ ही साथ दोस्तों सुपारी को आपको वापस लेना ले आना है और माता लक्ष्मी के फोटो के आगे आपको रख देना है। दोस्तों ऐसा अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जितने भी अटके हुए काम हैं, जो भी आपके अटके हुए मनोकामनाएँ हैं दोस्तों, वे सारे पूरे हो जाएंगे, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इतने वर्षों के बाद जो गुरु पूर्णिमा है और यश में आप इस सिद्ध उपाय को कर देंगे जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, तो दोस्तों आप इन्हें कर लेते हैं तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में सारी प्रकार की समस्याएं भी खत्म होंगी और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। धन्यवाद।